होली और शब ए बारात त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही। इसको लेकर जिले के आला अधिकारी और थाना स्तर पर पदाधिकारी भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। वहीं भागलपुर नाथनगर के नरगा चौक पर शाम के वक्त त्यौहार को लेकर गंगा जमुनी तहजीब का एक दृश्य देखने को मिला, जहां एक ओर नरगा चौक पर होलिका दहन किया गया तो दूसरी ओर ठीक उसके सामने हजरत नवगजा साहब पीर बाबा की दरगाह पर शब ए बारात को लेकर मजार को भव्य रूप से जाया गया था। इस दौरान देर शाम मजार पर चादर पोछी भी की गई, जबकि रात में नरगा चौक पर होलिका के रूप में सम्मत जलाकर होली की खुशियां बांटी गई। वहीं इसको लेकर लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों से लगातार मजार पर सभी धर्मों के लोगों की मौजूदगी होती है, जबकि यहां पर हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर आपसी भाईचारा के साथ शांति और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाते हैं। शिवरात भी है और होलिका दहन भी है, ये दोनों एक तरफ मजार है, दूसरे तरफ इधर होलिका दहन होना है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक बहुत बड़ा मिसाल है और ये मुल्क हम तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का है। हम लोग मिलजुल करके शबे बारात भी मना रहे हैं, होलिका होली भी मना रहे हैं और हम तमाम लोग एकजुट होकर हम अपने त्यौहारों को खुशी खुशी मनाएंगे और इसी तरह हम लोगों का हमेशा चलता रहेगा। आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि होली और शब ए बारात एक दिन पड़ा है और लगातार ये तीसरा वर्ष है। पूरे ज़िला में नरगा चौक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शांति सद्भाव का एक मैसेज जाता है। एक तरफ मजार सजा हुआ है, सारे ज़ायरीन रात में इबादत के लिए यहाँ आएंगे और दूसरी तरफ जो है होलिका दहन होना है। हिंदू मुस्लिम मिल करके इस काम को अंजाम देंगे। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी रेलवे लाइन बड़ा बहियार में एक युवक की गला रेत कर एवं पत्थर से कूच कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मृतक व्यक्ति की पहचान बलुआचक हरिजन टोला निवासी ओपी दास के 35 वर्षीय पुत्र संतोष दास के रूप में हुई है, जो राजमिस्त्री का काम करता था। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा जगदीशपुर पुलिस को मिलने पर जगदीशपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना की सूचना अपने वरीय अधिकारी को दी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। वहीं डॉग स्क्वाड टीम को जब कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और भागलपुर हसडिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इधर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार के काफी समझाने के बाद भी ग्रामीणों के द्वारा जाम नहीं हटाया गया, जिसके बाद मौके पर दलबल के साथ पहुंचे गोराडी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार और बाईपास टीओपी प्रभारी ओम प्रकाश के अलावा कुछ प्रतिनिधियों ने समझा बुझाकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया, जिसके बाद जाम हटाया गया। वहीं इस दौरान पुरैनी उत्तरी के मुखिया प्रतिनिधि हासिम जफर एवं पुरैनी उत्तरी के सरपंच प्रतिनिधि मेराज के द्वारा मृतक के परिजनों को सहयोग राशि प्रदान की गई, जबकि जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ने मौके से सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बलुआचक पुरैनी पंचायत के ग्रामीणों ने जल संकट को लेकर लगभग 3 घंटे तक भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी जाम नहीं हटाया गया। वहीं इसके बाद जगदीशपुर प्रखंड के BDO रघुनंदन आनंद और PhD के JEE कैलाश प्रसाद मौके पर पहुंचे और लोगों से पानी की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि जितने भी चापानल खराब हैं या जिसमें पानी नहीं आ रहा है सभी को दुरुस्त करा लिया जाएगा, जबकि समस्या दूर नहीं होने तक जगदीशपुर के PhD ऑफिस से 4 टैंकर पानी रोजाना मखना गांव भेजा जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। मौके पर कई जनप्रतिनिधि समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदेश में शराबबंदी के 7 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी शराबबंदी पूर्ण रूपेण सफल नहीं है। वहीं इसको लेकर गुरुवार को भागलपुर में शराब कारोबारी और शराब बेचने के लिए मना करने पर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले में बुधवार को शराब बेचने को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई थी, जिसके कारण यह विवाद
काफ़ी बढ़ गया। वहीं इस मामले पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें शराब कारोबारी ने एक पक्ष की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इधर गुरुवार को पीड़ित पक्षों ने नाथनगर भागलपुर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर 3 थाने की पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग कार्रवाई की मांग को लेकर डटे रहे। इधर लोगों का कहना था कि इलाके में शराब का कारोबार होता है और पुलिस लगाम नहीं लगा पाती है, लेकिन जब स्थानीय लोग शराब बेचने का विरोध करते हैं तो उसी की पिटाई कर दी जाती है। एक आदमी को मार रहा था सर होली का दिन में, ठीक है, हम उसको छोड़ाने जा रहे थे, छोड़ाने गए तो वो हमको बैठ ले कर मार दिया और ईटा पत्थर लेकर मार दिया। दारू बेचने वाली है अजय चौधरी और फाटा चौधरी, उसका वाइफ है, बाल बच्चा है, और वहाँ पे दो तीन ठो है दारू बेचने वाला, वो भी लड़का लोग मारा है, नाम नहीं जानते हैं। रोड जाम किए दारू के कारण, दारू यही है कि प्रत्येक दिन दारू बिकता है, और जब हम लोग जाते हैं और हम ही लोग पे उल्टा वार करता है, ऊपर से ईटा पत्थर भी चलाता है, छोड़ाने के लिए भी गए हैं, उसी विरोध में झगड़ा हुआ। होली का टाइम था, अब इधर नहीं लिख पाया, अनहार हो गया, शाम हो गया था, सब रंग में रंगा हुआ था, इसलिए नहीं जा पाए, जो कि हम प्रेस में दिए थे एप्लीकेशन लिख के, अभी उसको छापा गया नहीं गया है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मसदी गांव में दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में शामिल रसेल वाइपर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैंपस के समीप जब लोगों ने रसेल वाइपर सांप को फुफकारते देखा तो लोगों के रेंगटे खड़े हो गए। वहीं ग्रामीणों की नज़र जहरीले सांप पर पड़ते ही सभी लोग वहाँ से भागने लगे, जबकि इसके बाद सांपों के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों को बुलाया गया, जिसके बाद मौके पर करण पाल और अभिषेक कुमार इस सांप का रेस्क्यू कर अपने साथ ले गए। वहीं इसको लेकर करण पाल ने बताया कि रसेल वाइपर बेहद खतरनाक सांप होता है और उसके रेस्क्यू के समय भी काफी सतर्क रहने की जरूरत होती है, जबकि भागलपुर जिले में रसेल वाइपर सांप पकड़े जाने की यह कोई पहली या दूसरी घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार अलग अलग जगहों पर यह सांप देखा गया है, जहाँ से उन लोगों ने कई सांप का रेस्क्यू भी किया है। सर कहाँ रेस्क्यू किया आपने? ये सुल्तानगंज मस्जिद के पास। आपका परिचय, आप कौन? हम करण पाले, इसने कैचर है, पूरे बिहार में रेस्क्यू करते हैं। क्या इस सांप, इस तरह का सांप क्षेत्र में कब पाया? ये गंगा नदी से बहकर के आती है, ये सांप अपने बिहार का नहीं है, ये गंगा नदी के सहारे बहकर जब बाढ़ आती है ना तो ज़्यादा संख्या में क्या है ग्रामीण क्षेत्र में चले आते हैं ये, और आस्ते 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 लोगों को दिखता है तो हम लोग रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान जंगल में ले जाकर रिलीज कर देते हैं। पुलिस जिला नौगछिया के खगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंट लगते ही परिजनों ने आनंद फानंद में व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मायागंज अस्पताल में डॉक्टर द्वारा युवक को मृत घोषित करने के बाद परिजनों ने अस्पताल के मुख्य दरवाजे को घंटों बंद कर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टर ने सही से जांच किए बिना युवक को मृत घोषित कर दिया, साथ ही परिजनों ने डॉक्टर पर उन लोगों से पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान व्यक्ति की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से मृतक को पोस्टमार्टम हाउस और घर जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया, जिसके कारण भी परिजन आक्रोशित दिखे। वहीं इसके कारण मायागंज अस्पताल आने जाने वाले मरीजों और तीमारदारों के साथ अस्पताल कर्मियों को भी हॉस्पिटल प्रवेश करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बरारी पुलिस और दंगा नियंत्रण वाहन भी मायागंज अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद पूरा अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और किसी तरह स्थिति को सामान्य किया गया। बाद तो नहीं की कर लो बाद नहीं रिपोर्ट दिया था, नहीं यहाँ से लेके हम गए, क्या था पैसा भी मांग किया था, कितना पैसा मांग गया, पैसा मांगा 500 रुपया दीजिएगा नहीं तो रिपोर्ट देंगे। फिर मायागंज लाए हम सब परिवार मिल करके इसको अपने साधन से
और यहाँ जब लाए तो 9 बजे रात में हम लोग लाए, डॉक्टर साहब इनको मृत घोषित किए गए। उसके बाद मृत घोषित होने के बाद बोला कि ठीक है सुबह पेपर ऊपर आपको मिल जाएगा, लेकिन पेपर के इंतजार में हम लोगों को इतना टाइम हो गया। हम लोग जब लास्ट में परेशान होने लगे तो कुछ जामजुम के बारे में भी हम लोग योजना बनाने लगे, तो फिर बोला कि नहीं ठीक है रुकिए आपका पेपर दिया जा रहा है। एम्बुलेंस मुहैया कराया गया? एम्बुलेंस अभी मुहैया नहीं कराया गया मेरा। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीरामपुर गांव में वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें दुकान जा रहे एक व्यक्ति के दाहिने हाथ पर गोली लग गई, जिसमें बच्चा जख्मी हो गया। घायल छात्र की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी गौतम यादव के पुत्र शाहिल कुमार के रूप में हुई है, जिसे जख्मी हालत में इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं साहिल की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने तत्काल उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची अकबरनगर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बांका राजौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत कठौन गांव में शराब के नशे में धुत मोटरसाइकिल सवार युवक ने देर शाम गांव के ही रहने वाले लोकेश राज नामक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर घायल के परिजनों द्वारा युवक को इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने लोकेश को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि मृतक युवक भागलपुर में रहकर योगिता परीक्षा की तैयारी करता था और फिलहाल वह होली को लेकर घर आया हुआ था, जहां शाम के वक्त गांव में टहलने के दौरान वह इस हादसे का शिकार हो गया। घर वालों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक ने लोकेश को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वह वहीं गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजन काफी सदमे में हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवार युवक को भी घायल अवस्था में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घायल मोटरसाइकिल सवार युवक ने कहा कि होली को लेकर उसने शराब पी रखी थी, जिसके कारण यह घटना हो गई। लोकेश राज एक्सीडेंट कर गया, उपरामा में गांव में टहलने के लिए गया था। एक व्यक्ति तीन सवार बाइक की स्पीड से शराब के नशे में ठोक दिया, उसी कारण से प्लॉट डेट कर गया। यहाँ लेके आए तो पता चला एक्सपायर हो गया। युवक तो कुछ नहीं, शराब के नशे में रात भर फूल था। सुबह बताया गाँव शराब पिए थे, ब्रांडेड शराब पिए थे और दारू मुर्गा के साथ किए थे, खाए थे शराब। भागलपुर के मिर्जान हाट स्थित हसनगंज काली स्थान प्रांगण में भगवान सूर्य और वट सावित्री के नवनिर्मित मंदिर का 11 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को शहर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर बाल्टी कारखाना, गुहट्टा चौक, शीतला स्थान चौक, मिर्जान हाट समेत विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए हसनगंज काली स्थान मंदिर पहुंची। बताया जा रहा है कार्यक्रम के निवेदक और काली पूजा समिति के सदस्य समाजसेवी सत्यनारायण प्रसाद शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ और विशिष्ट अतिथि भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा उद्घाटनकर्ता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ मांझी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं इस दौरान 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन होगा, जो 11 से 17 मार्च तक चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक के रूप में मध्य प्रदेश के पूज्य किशोरी वैष्णवी सागर जी आ रही हैं, जिनके कथा और प्रवचन का श्रद्धालु आनंद ले सकेंगे। आज हमारे हसनगंज समाज काली स्थान के प्रांगण में बहुत सौभाग्य की बात है कि सूर्य देव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कलश शोभा यात्रा का भ्रमण हो रहा है, और यह भ्रमण दिनेश्वरनाथ धाम बजरंगबली स्थान से यह कलश शोभा जल लेकर के अपने पुनः फिर हसनगंज काली स्थान के प्रांगण में आ रही है। इसी उपरांत प्राण प्रतिष्ठा आज का पूजा, कल का पूजा, फिर उसके बाद 11 तारीख से भागवत कथा होने जा रहे हैं।